हेलो एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको लेस वाला बैकनेक ब्लाउज डिजाइन कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी तरीके से सीख जाएंगे फ्रेंड्स। और अस्तर को दो फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज का लंबाई है 14.5 इंच फ्रेंड्स, चौड़ाई है 10.5 इंच, शोल्डर का चौड़ाई है फ्रेंड्स 5.5 इंच, आर्मोल का लंबाई है 6 इंच। अब गले पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप अपने अनुसार 2.5 या 3 रख सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे की तरफ से 11.5 इंच पे निशान लगा लेना है, ऊपर से 2.5 इंच पे और नीचे से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। और इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स ऐसा बना लेना है। देख लीजिए बन चुका है। इस चौकोर बॉक्स में हम 5 गला पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। निशान लग चुका है, देख लीजिए। हम निशान को गाढ़ा कर लेंगे एक बार। इस तरह से निशान लग चुका है। अब जहां से निशान लगाए हैं फ्रेंड्स वहां से हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग हो चुका है, देख लीजिए। अब हमें कपड़े को दो फोल्ड में रख लेना है अच्छी तरीके से सेट करके। अब कपड़े के ऊपर अस्तर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह से देख लीजिए। सेट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हमें 1/2 इंच कपड़े छोड़कर इस तरह से कटिंग कर लेना है गले पे। कटिंग हो चुका है। अब कपड़े को इस तरह से फैला लेना है फ्रेंड्स। अब फैला के इसके ऊपर अस्तर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट हो चुका है फ्रेंड्स। सेट करके पिन लगा लेना है, देख लीजिए पिन लग चुका है। अब गले पर अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुके हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब हमें नीचे की तरफ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है फ्रेंड्स। सेट करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है, देख लीजिए। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस तरह से। कटिंग हो चुका है, देख लीजिए। अब गले पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। कट लग चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस तरह से। अब नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। कटिंग हो चुका है, देख लीजिए। अब इसे हमें पलटी कर लेना है हल्के हल्के हाथ से। पलटी हो चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब गले पे अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लग चुका है, देख लीजिए। अब नीचे की तरफ से अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस तरह से। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करके इस तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेना है अच्छी तरीके से सेट करके। इससे यह होता है फ्रेंड्स कि मतलब कपड़ा ब्लाउज में सिकुड़ापन नहीं आएगा अच्छी तरीके से।
सेट हो जाएगा अस्तर। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ दिक्कत हो ब्लाउज के कटिंग में तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से, इस तरफ से, इस तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, देख लीजिए आप। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। एक तरफ से कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से इसी तरह से कटिंग कर देना है। कटिंग हो चुका है, देख लीजिए आप। अब इसे दो फोल्ड कर लेना है, इस तरह से देख लीजिए। आधे पे हमें चौक लगा लेना है फ्रेंड्स, चौक लग चुका है। अब इसके आधे पे इस तरह से रख लेना है, देख लीजिए सेट हो चुका है। अब यहाँ से हमें प्लेट्स बैठा लेना है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। देख लीजिए बैठ चुका है, दूसरा भी इसी तरह से बैठा लेना है फ्रेंड्स, सेट करके अच्छी तरीके से। देख लीजिए सिलाई लग चुका है, दोनों मेरा प्लेट्स बैठ चुका है फ्रेंड्स। अब हमें आधे पे इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। देख लीजिए 1.5 इंच पे, 2 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरफ से 2 इंच पे, इस तरफ से, दोनों तरफ से बराबर निशान लगा लेना है, देख लीजिए आप। अब यहां से मैं इस क्रॉस में निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। इस तरफ से देख लीजिए, दोनों तरफ से निशान लग चुका है। देख लीजिए निशान लग चुका है। अब गले पे हमें लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से देख लीजिए लेस बैठ चुका है फ्रेंड्स, लेस के दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है, देख लीजिए आप। अब हमें इस तरह से यहाँ पर लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स। हम दो निशान लगाए थे, हम एक ही बैठाएंगे, इससे और खूबसूरत लगेगा, देख लीजिए आप। लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। अब हमें यहां से दोहरा लेस बैठा लेना है, देख लीजिए आप। अब यहाँ से मैं प्लेट्स लगा लेना है फ्रेंड्स, देख लीजिए जो मैं डिजाइन बनाई हूँ। इस तरह से लेस बैठ चुका है, लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए सिलाई लग चुका है। अब हमें पहले एक तरफ नीचे की तरफ से लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स।
लेस के दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। अब हमें इस तरह से जिस तरह से बनाए फ्रेंड्स, अब हमें इसी तरह से नीचे की तरफ से बनाना है। देख लीजिए यहाँ पे भी प्लेट्स लगा लेना है उसी तरह से। लेस के दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए इस तरह से। इस तरह से देख लीजिए सिलाई लग चुका है। इस तरह से देख लीजिए हम लटकन के लिए कपड़ा ले लिए हैं। अब हम कपड़े के नीचे की तरफ से इस तरह से हमें लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स। एक बैठ चुका है, देख लीजिए बीच में हम डोरी रखकर इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है देख लीजिए आप। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब इसे हमें हल्के हल्के हाथ से पलटी के लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। हम छोटा लटकन बनाए हैं, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह से हम इसमें भी लेस बैठा लेंगे। लेस बैठ चुका है फ्रेंड्स, बीच में डोरी रख लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है हमें अच्छी तरीके से सेट करके। सिलाई लग चुका है, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। इसे हमें पलटी कर लेना है। पलटी हो चुका है, देख लीजिए कितना खूबसूरत लटकन लग रहा है मेरा फ्रेंड्स। अब हमें ब्लाउज में ज्वाइंट कर लेना है। देख लीजिए इस तरह से नीचे की तरफ से डोरी रखकर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। एक तरफ से ज्वाइंट हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ज्वाइंट कर लेंगे। देख लीजिए सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। अभी हम एक मोती लगाएंगे, देख लीजिए इस तरह से। देख लीजिए आप सुई से भी टाक सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसे पिन से रख लिए हैं।